घर में सब कैसे हैं घर में अगर कोई मसला भी है तो वो आपसे शेयर करेगी घबराई हुई और शर्माई हुई करके बात करने की ज़रूरत नहीं है आप किसी आ, स्टोरी की हीरोइन नहीं है हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मेल और फीमेल को मिलकर काम करना पड़ता है या उनकी को एजुकेशन है या अकेडमी को है और ना चाहते हुए भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ना महरम से बात करनी पड़ती है खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में वाइवा मिल जाता है असाइनमेंट्स मिल जाती हैं इस तरह एम डॉक्टर्स हो जाते हैं इनकी साथ ड्यूटीज़ हो जाती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मिसाल दी जा सकती है तो कैसे बात करनी चाहिए सबसे पहले इस चीज़ इस को आप क्लियर कर लें कि आपने जब भी बात करनी है वो आपने पर्पज़ आपका कोई बात का होना चाहिए अगर वाइवा के हवाले से क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन होना चाहिए और कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए कि आप कहाँ पे गायब हो गई थी या आप तो आजकल बड़ी स्मार्ट हो गई हैं भाई अगर उसने डाइट किया तो आप वो क्यों बताए सो पर्सनल नहीं होना आपने सिर्फ पर्पज़ली बात करनी है कि जिस बात का कोई मकसद है दूसरा आपने सबके सामने बात करनी है और सबके सामने इस तरह की पूरी क्लास है तो आप क्लास के सामने बात करें ये नहीं कि आप जरा मेरी बात सुनती हैं क्यों सुने वो आपकी बात आप सबके सामने बात करें जो भी बात करनी है और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है या अगर व्हाट्सएप के थ्रू आपकी बात होना जरूरी है कि जी एक दूसरे को फाइल्स सेंड करनी है पी डी एफ बनानी है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपने सिर्फ टू दी पॉइंट बात करनी है जो काम है जो फाइल मंगवानी है वो मंगवाएं और उसके बाद डैट सीट ये नहीं कि जी आज का मौसम कैसा है कैसा मौसम है ठीक है आप जाकर खुद देख लें और घर में सब कैसे हैं अगर घर में सब कुछ ठीक नहीं भी है तो वो आपसे शेयर करेगी तो इसीलिए टू द पॉइंट बात करनी है और सबके सामने पेरेंट्स के सामने बात करें है ख़ासतौर यह पर ये यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स के सामने वॉइस अगर सुन रहे हैं तो स्पीकर पर सुने इससे ये होगा कि आपको आपके दिल में शैतान जो है बस वस बसा नहीं डालेगा अक्सर है ना कि आवाज़ अच्छी लगने लग जाती है हालांकि आवाज़ इतनी अच्छी होती नहीं है बट वो सिर्फ़ शैतान आपके दिल में ऐसा बस बसा डाल देता है यह हदीस पाक का भी मफ़ूम है कि शैतान जो है वो औरतों को मुजयन करके दिखाता है यानी वो इतनी खूबसूरत होती नहीं है जितनी लग रही होती हैं तो इस चीज़ से आपने बचना है और लेडीज़ के लिए कि जब भी आप बात करें किसी ना महरम से तो स्ट्रिक्टली बात करें और घबराई हुई और सरमाई हुई करके बात करने की ज़रूरत नहीं है आप किसी स्टोरी की हिरोइन नहीं है एक्ट लाइक आ वमेन तो ये ज़रूरी है कि आप अपना लहजा उस सतह पर रखें जहाँ इस्लाम कहता है कुरान कहता है ना कि ज़रा सख्ती से बात करें तो बस सख्ती से बात करें टू दी पॉइंट बात करें बात ख़त्म और जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करें कि उसके सर के ऊपर देखें यानी ज़रूरी नहीं है कि आँखों में आंखें डालकर ही बात की जाए शैतान सबसे पहला बार जो है वो आँखों के थ्रू करता है सो so, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो नाह महरम से बात इस लेवल पर की जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शैतान जो है आपके दिल में वसवसा नहीं डालेगा